बनवाया है टेलीग्राम में सिर्फ आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री सर्विस इसमें दे रहे हैं। इसका नाम आप देख लीजिए और इसका जो है एड्रेस भी देख लीजिए। इसका नाम है UP SSC PET बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इससे आप अगर खोजेंगे टेलीग्राम में तो मिल जाएगा। और यहीं पे जो देखिए एड्रेस है ये @UP SSC PET/study-for-civil-services, इसको ज्वाइन कर लीजिए तुरंत UP SSC PET वाले सारे लोग। अब देखिए जो मैंने बताया था PET की स्ट्रेटजी, उसमें फैक्ट काफ़ी आते हैं, तो उसी डायरेक्शन में हम आपको लगातार दे रहे हैं पिक्स। जितनी भी सिलेबस में हैं हम सारी जो आपके करीबन 50-55, अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा वो समझिए। एक तो ये 50 नंबर आएगा, ठीक है, 20 की DI, 10 की वो अपठित गद्यांश वाला, 5 इंग्लिश, 5 मैथ, 5 रीजनिंग, 5 हिंदी। उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें एटलीस्ट जो हिंदी वाले टॉपिक हैं आपके 5 नंबर और 10 नंबर वाला, ये आपका प्लेलिस्ट से कवर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आपको ज़रूर दे दें। यहाँ पर करीबन 3 क्वेश्चन आएंगे वो गद्यांश से, तो उसमें अलग से एक वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैथ और रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक, इजी लेवल पर रहेगा। और DI वाला भी जो है आपको प्रैक्टिस करिए। जो 50 नंबर की बाकी GS GK करंट अफेयर है, उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सिलेबस में पॉइंट हैं उससे आपके 50 में से करीबन 40-45 नंबर कम से कम आ जाएँ, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। देखिए ये हम जो ये पिक बनवाई है ये इसीलिए बनवाई है कि PET के लिए भैया बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। ये देखो ये रट लो, ये पिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल चीज़ें करनी है UP SSC PET के लिए। पिक्स का जो है धीरे धीरे हम देते जाएंगे जैसे जैसे डेट करीब आते जाएंगे। अभी के लिए हम ये प्लान कर रहे हैं कि आपको करीबन 10 से 15 जो है PET के ऑफिशियल जैसा पेपर आएगा वैसे दे दें। आप कितने चाहते हो, वैसे तो मेरा टारगेट जो है 20 तक का है, अब देखिए कितने में कामयाब हो पाते हैं, वैसे 10 तो देंगे ही, आप बताइए 20 ठीक रहेगा कि नहीं। देखिए ये जो पिक बनवाई है ये आप ही लोगों के लिए बनवाई है सिर्फ, ये यहाँ पे ऊपर से ही पूछा जाएगा। PET का लेवल जो है थोड़ा आसान ही है वैसे, ठीक है। देखिए ये जो पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, एक टॉपिक है आपके PET के सिलेबस में, वो पूरा हमने 5-6 पिक से कवर कर दिया है, हिंदी में भी देख लीजिए, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ये इंग्लिश में भी पढ़ना है। अब आपको इसके फैक्ट अब जब आ जाएंगे एग्ज़ाम में 2 नंबर का आएगा तो जो है उसको ठीक करके आना, ये गुजारिश है। देखिए जो फैक्ट हैं 52 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, इसमें 51 वाला 52 वाला किस राज्य में है, कौन सा क्या नाम है, ये ज़रूर एक बार देख लेना ध्यान से, 50 तो थे ही अभी तक। ये देखिए अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। PET मानिक बहुत संभव, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिर्फ PET के लिए दे रहे हैं, ठीक है। ये ग्रुप सिर्फ PET के लिए बनाया है, देख रहे हैं आप, लगातार जो है यहाँ पे हम आपके साथ हैं। ये देखिए मेन फैक्ट हमने दे दिए, अरे बस ये पिक ही देख डालना बस, ठीक है। देखिए कई सारी पिक में बम्पर रिवीजन जो है धीरे धीरे किसी दिन बैठ के जो पुरानी पिक्स हैं आज भी जो पैक जो फैक्ट रिलेवेंट है सब दे दूंगा यहाँ पे। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इससे एक क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है, ठीक। ये देखिए लगातार हम आपको सिर्फ यहाँ पे फैक्टुअल वाली पिक दे रहे हैं, सब लगातार करते हैं, ये हिंदी में भी दे रहे हैं इंग्लिश में भी दे रहे हैं। ये हिंदी इंग्लिश वाला कुकू मत करिए, वीडियो जो हम लगातार दे रहे हैं आपको वीडियो में आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहे हैं। अभी आप पढ़ाई करिए, यहाँ पे सारा चीज़ हम आपके साथ हैं बिल्कुल। ये देखिए ये जो पिक दी है अब इसमें फैक्ट दे दिए हैं, बस इतना कर लीजिएगा, बस इतना करना है जितना हमने दिया है, ठीक है, इतना करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए ये ठीक है, इतना जो चीज़ हम दे रहे हैं यहाँ पे करिएगा, जरूर आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए आप अगर YouTube में खोजेंगे UP SSC PET Study for Civil Services प्लेलिस्ट तो आपको मिल जाएगी, इस प्लेलिस्ट को जरूर देख डालिएगा। बहुत छोटे छोटे 20-20 मिनट में जो है 100-100 क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं हमने, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का खजाना लेके आए हैं। इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिएगा, आप देखिएगा 50 में से एटलीस्ट जो है 40-45 आपके नंबर आएंगे, लेकिन पूरा अगर आपने इसको प्लेलिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ये देखिए ये प्लेलिस्ट आ गई, अब इसमें से आप फॉलो कर लीजिएगा सब। ये वाला पहला वीडियो इसमें सिलेबस बताया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पूरे फैक्ट हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, एक जो भी आपका मीडियम हो देख डालो। हिस्ट्री पूरी इतिहास की जो है लिस्टिंग दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस की लिस्टिंग वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और हो सके तो कंपाइलेशन वाले भी। ये कंपाइलेशन वाला हिंदी इंग्लिश में जो आपको लैंग्वेज हो देख डालो। ये इन्वायरमेंट की लिस्टिंग है, करंट अफेयर के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला वीडियो देख डालिए। इसके साथ साथ जुलाई 2021 का अभी जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मंथली करंट अफेयर आएगा, ये प्लस दिसंबर 2020 और नवंबर 2020, इतना कर लो पूरा करंट ख़त्म, कहीं से कोई मैगजीन नहीं पढ़नी, वो हमने जोड़ रखा है। प्लेलिस्ट हमने बनाई इसी तरह से है ना भैया जी। ये देखिए ये आपका हिस्ट्री का कंपाइलेशन, हो सके तो ये कर लीजिएगा, अदरवाइज लिस्टिंग जरूर देख लीजिएगा एक बार।
5 ईयर प्लान के लिए देखिए ये वीडियो भी दिया, एपिक आपको फ्री में दे दी। जो हिंदी के टॉपिक हैं पीटी में वो हम यहाँ पे करा रहे हैं, और उसी पी जो जितने टॉपिक हैं टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहे हैं आपके लिए। इसको पूरी प्लेलिस्ट को देखते रहिए, लगातार अपडेट रखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, और सारी चीज़ों के लिए एक बार अगर आपने प्लेलिस्ट देख डाली, मैं बता तो रहा हूँ आपको, आराम से आ जाएंगे। इसके साथ टेलीग्राम में जरूर फॉलो करके रखिए, टेलीग्राम का ये एड्रेस देख लीजिए, UP SSC PT, कहीं कोई स्पेस अंडरस्कोर नहीं है, बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसकी लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक, दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बस इतना फॉलो करिए, इतनी पिक भरेंगे यहाँ पे, और लगातार हम इतनी जो है टेस्ट सीरीज देंगे। मैं बता तो रहा हूँ करीबन 15 से 20 का हमारा है टारगेट। अगर देखिए अभी तो 10 की बात हुई है पूरी फाइनली, और लगातार मैं लगा हुआ हूँ। मेरे हिसाब से 25 तो करीबन जो है ट्राई करना चाहिए हम लोग को, क्यों, क्या कहते हो आप लोग। और सारे सिलेबस में जितने पॉइंट हैं GS/GK के करंट अफेयर वाले जो 50 नंबर के हैं, इनको हम लोग कर लेंगे। 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, कोशिश हमारी यही है कि करीबन 10 अगस्त से पहले सारी पिक्स के फॉर्म में दे दें, और कई सारे टॉपिक हमने कर भी दिए हैं। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो आप लोग अगर जो है लगातार, मुझे यहाँ पे 2000 कमेंट चाहिए, अगर 2000 कमेंट हो गए तो पीटी के लिए फ्री क्विज भी चालू करवा देंगे। आप बताइए जो है चाहिए कि नहीं पीटी के लिए नए सिलेबस के हिसाब से फ्री क्विज।